आज मैं आपको ना कुछ नया दिखाने वाली हूँ। नया के बोलेंगे मतलब पुरानी चीज है। और नाव की भीड़ लगी है, ऊपर 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 आ रहे हैं, अंदर की ओर आ रहे हैं। फिर हम पानी में नमक डाल रहे हैं, उसके बाद उनमें डालेंगे उमर। तो ये हमारे घर का ना सबसे पुराना सुप्पा है, जो कि निंगाल से बना हुआ है। बाकी ना ये दादी ने संभाल के रखा था। और के हम ये देखो इधर की साइड, फिर यहाँ पे, और जो ये साइड साइड से ऐसे और के ना, इसको ना गोबर से इसकी लिपाई होती है। और उसके बाद ना ये मतलब काफी अच्छा लगता है, मतलब पूरा एकदम नया सा। तो हमारे यहाँ पे ना हमारी ये ओखली है, जिसको गढ़वाली में वखवा बोलते हैं। और लगभग अब मतलब सभी जगह से जो वखवे हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि अब ना मशीन आ गई है चावल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, बड़े होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, 9 बज गया है सुबह के, और अभी हमारा नाश्ता पानी तो हो ही गया है। बाकी आज तो मौसम थोड़ा सही हो रखा है, क्योंकि कल तो दिन भर बारिश आ रही थी, थोड़ा शाम के टाइम पे रुकी थी, मतलब शाम के टाइम पे थोड़ा अच्छा मौसम था। बाकी आज तो रात में भी बारिश नहीं आई, लेकिन आज कड़क वाली धूप लगी हुई है। और मैं बोल रही थी कि कल हमने मतलब कल परसों से हम नीचे वाले खेतों में जाएंगे गुड़ाई करने, क्योंकि अभी हमारे ना थोड़ा खेत बचे हुए हैं, उसमें मंडवा है कोदा, तो कोदे की गुड़ाई करनी है। बाकी मम्मी ने बोला है कि जितनी जल्दी हो सके काम निपटा दो, तो आज हम वहीं जा रहे हैं, वहाँ नीचे वाले खेत में। तो आज देखते हैं कितने खेत हमारे कंप्लीट होते हैं। तो अभी काम तो ऊपर चले गई है साई के लिए, बाकी मैं, सलोनी और मम्मी हम जाएंगे नीचे खेत में। तो पहले आपको बाहर का नजारा बता देती हूँ कि आज का मौसम कैसा हो रखा है। सो चलते हैं फिर बाहर की तरफ। ए गोलू, सलोनी अभी तक ना आम खा रही थी, आम खा रही थी, और देखो दरवाजा बंद कर दिया, मतलब दरवाजा बंद किया मतलब अभी भी खा ही रही है। तो तो आम खा रही थी, और उसको लगा कि क्या पता वो मेरे को दिखाएगी, इसलिए उसने ना दरवाजा बंद कर दिया और अंदर चले गई है। खाली बोल रही है तो बाहर आ, खैर इसका तो चलता रहेगा। तो पहले आपको बाहर के नजारे बता देते हूँ कि आज के नजारे कैसे हो रखे हैं। साई पे, और साई पे अभी मम्मी पानी पुनी पिला रही है। बाकी यहाँ पे गोलू का थोड़ा क्या बोलते हैं थोड़ा गोलू का वो क्या बोलते हैं, अरे पर्स पर्स, इधर इधर को मोड़, इधर को। हाँ कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। तो हम दोनों के लिए मम्मी ने बना रखा है, ये तो काफी अच्छा हो रहा है, मतलब फोन रखने के लिए सही है, क्योंकि मेरे फोन पे तो गार्ड एक महीने तक भी नहीं अटकता है, पता नहीं क्यों, मतलब फूट ही जाता है। और कल परसों ही मैंने गार्ड चेंज किया है, सो मम्मी ने इसलिए हमको फोन रखने के लिए ये बना दिया। और यहाँ पे हमने ना साइड से इस पे ना एक बटन भी लगा रखा है, जिससे कि थोड़ा सही हो जाए लगाने के लिए, मतलब रखने के लिए थोड़ा सही हो जाएगा। बाकी आज तो काफी तेज धूप हो रखी है, आज पता नहीं क्या होगा, खतरनाक ही धूप लगी है बाहर। पहले बाहर बता दे, पहुंच गए, और खेत में पहुंच के हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि इतनी तेज धूप लगी हुई है। और सुबह के टाइम पे तो ऐसे लग रहा था कि आज मौसम थोड़ा सही लगेगा, मतलब धूप लगेगी लेकिन हल्की धूप लगेगी, लेकिन खेत में पहुंच के इतनी तेज धूप लग गई है ना। आते ही सलोनी ना उधर चले गई, यहाँ पे देखो यहाँ पे चले गई है, थोड़ा छांव है। बाकी आसमान पूरा साफ हो रखा है, और ऊपर की साइड लगे हुए हैं बादल, और नीचे की साइड तो फिर भी वैसे ही हो रखा है मौसम। तो धूप को देख के ना बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो पहले मैं आपको अपना खेत बताती हूँ कि हमने कौन से खेत में गुड़ाई करनी है। तो ये रहा हमारा खेत, इसमें मंडवा बो रखा है, और ये एक खेत ये वाला है, एक यहाँ नीचे है और एक यहाँ ऊपर की साइड है, और तीन खेत मतलब पट्टे के ऊपर साइड है। तो अभी
यहाँ पे आ गई अभी मम्मी तो इतनी तेज धूप लग रही है गाइस, इसने मेरा खराब कर दिया ये। इसका थोबड़ा खराब कर दिया मैंने। दे हमारा थोबड़ा खराब है जी, ये बन का अपनी तारीफ। आहा, तारीफ नहीं करनी चाहिए अपनी जान। ये आपके मस्त लोग हो, ये नहीं छेलता आप जा नहीं चाहिए। और ये देखो पंगड़ा उड़ा बेड़ा और ने छोड़ा कथा बड़े वन छे ने। आहा, चलिए मकान जरा तक इसको। तो थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं और उसके बाद लगते हैं अपने काम पे। अभी शाम के 4:30 हो चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही हमारा खाना हो रहा है क्योंकि हम खेत से ना बहुत लेट आए क्योंकि सुबह तक तो धूप हो रही थी लेकिन उसके बाद ना इतनी खतरनाक वाली बारिश आई ना, हम पूरा भीग के ही आए। बाकी काम तो ऊपर जा रखी थी, नानी भी स्कूल थी तो थोड़ा मतलब खाना खोना तो हम लेट ही बनाते हैं तो तब जाके अब जाके हमको थोड़ा आराम मिला है क्योंकि तब से खेत में। फिर अगर बारिश नहीं लगती तो हम फटाफट से जल्दी से आ जाते घर, लेकिन बारिश ने सारा बिगाड़ दिया। तो सुबह को ना काफी तेज धूप हो रही थी और जिस वजह से हम वहां पे भी गए थे और छांव में गए थे, लेकिन उसके बाद हमें नहीं पता था कि इतनी खतरनाक बारिश आने वाली है। तो फिलहाल अभी थोड़ा आराम करते हैं। और ये देखो गुन्नू, वही गुन्नू, गुन्नू ने ना खाना नहीं खाया अभी, वो खाते ही और नानी उसके पीछे भाग रही है उसको खाना खिलाने के लिए। बाकी यहाँ पे ये देखो ये अपने फोन पे ना हमारा थोड़ा देख रही है, बोल रही है कि कुछ ज्यादा ही जूम हो गया है। नहीं तो अभी थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो अभी टाइम ना 6:30 हो चुका है तो अभी हम जा रहे हैं पॉली हाउस की साइड वो निंगाल लगाने के लिए, जो हमने छमने बोल रखे है उस पे लगाना है। अभी ना ये देखो कामू भी आज ब्लॉगर बननी हुई है तो देखते हैं कि कैसे बनती है उसकी वीडियो। सो अभी हम चल रहे हैं उनपे छमने पे निंगाल लगाने के लिए, सो आगे आपको बताते हैं वीडियो में। और यहाँ पे देखो हमारी मोहतरमा उस पे चप्पल ही नहीं है, नंगो खुटोआ। हमारे यहाँ पे ना हमारी ये उपली है जिसको गढ़वाली में वखवा बोलते हैं और लगभग अब मतलब सभी जगह से जो वखवे हैं वो खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि अब ना मशीन आ गई है चावल कूटने वाली, तो अब इसका यूज भी बहुत कम होता है। बाकी हमने भी दिया था एक दिन दिया था हमने चक्की पे सट्टी कूटने के लिए, और वो पता है वो 1 या 2 हफ्ते तक वैसे ही रहा उनके वहाँ पे क्योंकि शायद वो खराब हो रही थी मशीन। तो हमने ना 2 हफ्ते बाद हम वहीं गए और हम वापस लेके आए थे, तो हमने ना वकवे में ही कूटा था सट्टी। तो हम तो बहुत कम ही देते हैं वहाँ पिसवाने के लिए चक्की में। फिलहाल ये देखो यहाँ पे आज दिन भर बारिश आ रही थी तो इतना पानी भरा हुआ है इसमें। तो इनको हम कल मैं और नानी लेके आए थे शाम के टाइम पे, मैं इनको लाई थी और नानी लाई थी थोड़ा लकड़ी। बाकी इनको लगाना है हमने इधर की साइड जो हमने छमले बो रखे हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे छमले बो रखे हैं तो इन पे लगाना है। बाकी यहाँ पे ना ये कुछ निंगाल लगा रखी है जिससे कि सोल्टी बनती है। अभी सलोनी इसको खोलने का प्रयास कर रही है। वही तो तो अभी हमने ना छमलों पे वो भी लगा दिए हैं, हथुल्ले लगा दिए हैं और कुछ हमने ना निंगाल के वो काट के रखे हैं जो कि हमने ऊपर साई पे रखे हुए हैं। आज मैं आपको ना कुछ नया दिखाने वाली हूँ, नया के बोलेंगे मतलब पुरानी चीज है और जो कि अब कख। गाइस बक्शाओ का टाइम आ चुका है और हमारे यहाँ गुन्नुओं की भीड़ लगी है, ऊपर 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 आ रहे हैं अंदर की ओर।
अंदर की ओर आ रहे हैं, फिर हम पानी में नमक डाल रहे हैं, उसके बाद उनमें डालेंगे, वो मर जाएंगे। तो मैं आपको ना कुछ पुरानी चीज दिखाती हूँ। तो मैं आज आपको घर की एक पुरानी चीज बताने वाली हूँ, जो कि अब पहाड़ों में बिल्कुल भी नहीं दिखती है, और दिखती भी होगी तो वो मार्केट से लाते हैं उसको। तो आपको बता दी हूँ कि वो कौन सी चीज है, ठीक है नानी? पकड़ो कैमरा, मेरे साथ आइए। तो ये हमारे घर का ना सबसे पुराना सुप्पा है, जो कि निंगाल से बना हुआ है। बाकी ना ये दादी ने संभाल के रखा था, और इधर की साइड देखो, ऐसे ये प्लास्टिक का लगा रखा है, जिससे कि अगर इसमें ना कुछ धान धून अगर कुछ भी भूसा साफ करना होगा तो इसमें अच्छे से इसका भूसा साफ हो जाएगा, मतलब घिरेगा नहीं। बाकी यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा ऐसे छेद भी हो रखे हैं, ये देखो इधर की साइड, फिर यहाँ पे, और जो ये साइड साइड से ऐसे हो रखे ना, इसको ना गोबर से इसकी लिपाई होती है, और उसके बाद ना ये मतलब काफी अच्छा लगता है, मतलब पूरा एकदम नया सा बन जाएगा। तो दादी ने इसको ना अटकाने के लिए ये देखो कुछ ऐसे किया हुआ है, जो कि काफी अच्छा है। लेकिन अब ना बहुत कम देखने को मिलेगा पहाड़ों में ऐसे सूखे, और वो भी अब मार्केट से ही लाते हैं। तो मार्केट वाले ना वो होते हैं, वो टिन वाले सूखे होते हैं, तो उससे अच्छा तो काफी अच्छा यही होता है, मतलब उन वाले सूखों से काफी अच्छा यही वाला होता है। तो ये हमारे घर का सबसे पुराना और बोलेंगे तो लास्ट सूखा है ऐसे। ऐसे तो हमारे घर में ना वो वाला है, टिन वाला सूखा है, वो तो दो ला रखे हैं पापा ने। तो अगर आपके घर में भी ऐसे पुराना सूखा होगा तो मेरे को कमेंट करके पक्का बताना। बाकी ये बना हुआ है निंगाल से, और यहाँ पे देखो ऐसे, देखो इस पे यहाँ पे ना ये प्लास्टिक का कुछ लगा रखा है, जिससे कि ना इधर की साइड तो नहीं लगा रखा, लेकिन यहाँ पे देखो ये प्लास्टिक का लगा रखा है, और इधर इधर की साइड से ना ऐसे बांध रखे हैं, मतलब इसको काम चलाने के लिए ना ऐसे कर रखा है। और अब तो बहुत कम ही देखने को मिलेंगे पहाड़ों में, लेकिन अगर आपके घर में होंगे तो मेरे को कमेंट करके पक्का बताना कि ये चीज़ किस चीज़ के घर में है। तो अभी टाइम, ये देखो इसने ऐसे लगा था। तो अभी टाइम ना 7:15 हो चुका है, बाकी अभी अंधेरा भी होने ही वाला है, अंधेरा तो पूरा अंधेरा तो खैर 8 बजे तक हो रहा है। तो अभी मम्मी चले गई है साई, बाकी काम भी जा रखी है मम्मी के साथ साई। तो आज देखते हैं कि आज गोलू देखो उधर किचन में, वो भी चले गई है। तो आज देखते हैं कि कौन सी सब्जी बनाते हैं। इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो बोल अच्छा लगा होगा तो उधर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय। ये बोलना नहीं आ रहा है इसको दोबारा बोल। तो गोलू हमको ना उधर किचन से देख रही है, और काम तो आग जला के चले गई थी, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि साई आ जाए, तो वो साई ही जा रखी है। सो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही ब्लॉग के साथ मिलते हैं आपको सीधे अपने कल के नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।